सेम को तो आपने बहुत बार बनाया होगा और खाया होगा, लेकिन आज जो हम सेम की रेसिपी लेकर आए हैं ये बहुत ही टेस्टी होता है। ये सीधे बिहार के गांव से आपके पास आ रहा है, इसको आप जरूर देखें और एक बार जरूर इस तरीके से ट्राई करें। इसमें जो मसाला हम ऐड करेंगे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस डिश को टेस्टी बनाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। अगर आपको मेरी बनाई हुई रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज की मजेदार सी रेसिपी को शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने आलू लिया है, टमाटर लिया है, बैंगन लिया है, मेथी के पत्ते हैं, सेम है, मटर है और लहसुन की कुछ कलियां हैं। आलू, सेम और टमाटर, लहसुन इसको अलग कर लेते हैं और बैंगन और मेथी का पत्ता है इसको इसी तरह छोड़ देंगे, मटर को भी छोड़ देंगे और इसको हम उबाल लेंगे आलू को। तो कटा हुआ आलू हम पानी में इसी तरह उबालेंगे तो उसमें अच्छा टेस्ट नहीं आता है, और सेम भी ऐसे पानी में उबालेंगे तो टेस्टी नहीं बनेगी हमारी सब्जी। इसको उबालने के लिए हम आपको तरीका दिखा रहे हैं, बहुत ही अलग, बहुत ही अनोखा तरीका है। बैंगन, मेथी, मटर को छोड़ के इन सारी चीज़ें जो हमारे पास है, टमाटर है, सेम है, आलू है, लहसुन है, इसको हम उबाल लेते हैं। सेम को हमने कुकर में डाल दिया है और आलू के टुकड़े को भी डाल देंगे, लहसुन भी डाल देंगे इसी में, और टमाटर के जो डंठल है मोटा वाला उस साइड से जो हिस्सा होता है इसको हटा देंगे और इसको भी इसी में डाल देते हैं। पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे, थोड़ा सा नमक डाल देते हैं। नमक डालेंगे तो टमाटर सेम में से पानी निकलता है, इसी से हमारा आलू और सेम सब कुछ उबल जाएगा। थोड़ा सा हल्दी भी डाल देते हैं, इससे कलर अच्छा आता है। आप देख सकते हैं बिल्कुल भी कुकर में पानी हमने नहीं डाला है। उबालते टाइम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, जब कुकर हमारा प्रेशर पकड़ लेगा कुछ इस तरह से, तब हम गैस को एकदम लो मीडियम पे कर देंगे। देख सकते हैं एकदम लो मीडियम पे कर देंगे और इसको एक मिनट तक उबाल लेंगे। कढ़ाई में सरसों तेल डालेंगे, इस सब्जी को हम सरसों के तेल में बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनेगा। कटी हुई हरी मिर्च और जीरा डाल देंगे। जीरा चटक रहा है तब तक देखिए कुकर में हम पलट रहे हैं, कितना सारा पानी छूट गया है और अच्छे से सब्जियां भी हमारी उबल गई हैं। इसको डाल देते हैं पानी हटा के कढ़ाई में फ्राई होने के लिए। टमाटर को हम हटा लेंगे इसमें से, लहसुन और सेम आलू को बस भूनेंगे। बिना पानी के उबाल के आप सब्जी को जब बनाते हैं तो बहुत ही टेस्टी बनती है और कलर भी इसका बहुत अच्छा आता है। जो टमाटर है इसको हमने छील लिया है, इसका एक पेस्ट तैयार कर लेते हैं। कटे हुए मेथी के पत्ते भी डाल देते हैं और यहाँ पे बैंगन है, हमने काट के रखा था, बैंगन को डाल देते हैं। इसको भून लेंगे। ये पेस्ट है सरसों के बीज का, सरसों का बीज आप समझ रहे होंगे, सरसों का दाना, और मटर डाल देंगे। और डालने के बाद इसको ऊपर से सब्जियों से ढक देंगे, ऐसे ढक देते हैं तो सरसों का मसाला बहुत ही अच्छे से भून जाता है। ये हमारी गांव की रेसिपी है। ऐसे अगर हम ढक के मसाला को भूनते हैं तो मसाला अंदर पक भी रहा है और भून भी रहा है। इसको ढक के और एक मिनट तक ढक्कन लगा के छोड़ देंगे। एक मिनट बाद कुछ इस तरह से हुआ है, इसको चला लेते हैं। मटर भी अंदर अंदर पक रहा होगा, गल रहा होगा, क्योंकि मटर हमने उबाला नहीं है और मसाला भी जो सरसों का हमारा था वो पक गया होगा। इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल देते हैं, थोड़ा सा हल्दी डाल देंगे और लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे। बस कुछ और मसाले ऐड नहीं करना है। नमक डाल देंगे, नमक थोड़ा सा हमने आलू में भी डाला था तो हिसाब से डालेंगे। और उसके बाद इसको भून लेते हैं। जो टमाटर का हमने पेस्ट तैयार किया था उसको इसमें डाल देते हैं, थोड़ा सा पानी डाल के धो लेते हैं जार को और इसको डाल देते हैं। अगर कम पड़ेगा ग्रेवी तो थोड़ा सा पानी और मिला लेते हैं। आलू और सेम को थोड़ा सा उबाल देने से सेम हमारा जल्दी पक जाता है, आलू भी जल्दी पक जाएगा, इस वजह से ज़्यादा देर तक इन्हें पकाना नहीं होगा तो सब्जी का कलर बहुत ही अच्छा आता है। और बिना पानी के हमने उबाला है तो टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। थोड़ा सा धनिया से सजा देते हैं और इसको परोसते हैं। ये हमारी बहुत ही टेस्टी आलू बैंगन टमाटर सेम सीधे गांव की रेसिपी है, एक बार आप जरूर ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में हमें बताएं आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।